हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आज हमारी फैमिली 2 के पूरी हो चुकी है। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने अभी तक हमारा साथ दिया है, और आप लोग इसी तरह से साथ और अपना प्यार आगे भी बनाए रखना। तो इसके साथ शेयर करेंगे एक छोटी सी वीडियो। लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन गरीब के पास इतने सारे चप्पल, सैंडल्स, और वो भी इतने ब्रांडेड सैंडल खादिम्स के, बाटा के, एक से बढ़कर एक सैंडल और चप्पल हैं। यहाँ तक कि मैं मिडिल परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सैंडल है, वो भी 3-4 साल पुराना हो चुका है। और जब भी हमारी पुरानी सैंडल टूटती है तभी नया आती है। आप लोगों के साथ आज दो चीज शेयर करेंगे, उससे आप बताना कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ, जिसके पास खाने को है, रहने को है, वो गरीब नहीं है। लेकिन आजकल यूट्यूब पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनकी वीडियो वायरल हो रही है। जो लोग सही कर रहे हैं, कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ सिखा रहे हैं, उनकी वीडियो कोई देखता ही नहीं। आजकल सब सुंदरता के पीछे भागते हैं, यहाँ तक कि दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन रियलिटी जिस ब्लॉग में होती है उनका ब्लॉग बहुत कम वायरल होता होगा। तो आज आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ दो चीज शेयर करेंगे, उससे आप लोग पता लगा लेना कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। तो चलिए, सबसे पहले आप हम अपना चप्पल, जो भी सैंडल है, चप्पल है, उसका कलेक्शन शेयर करेंगे उसके साथ। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना मेकअप कलेक्शन, उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कलेक्शन है हमारा, पूरे परिवार का एक कलेक्शन है हमारा और हमारे दोनों बच्चे का, बस इतना ही है हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए एक एक करके आपको खोल के दिखाते हैं इसमें क्या है और कितने प्राइस के हमारे जूते और चप्पल हैं। तो सबसे पहले ये वाला जूता जो है हमारे बेटे का स्कूल शूज है, तो आप लोगों को पता ही है स्कूल। और उसके अलावा हमारे बेटे के पास ये वाला सैंडल है, इसका प्राइस 300 रूपये है, 300 से ज्यादा का नहीं है, ये प्लास्टिक का है तो ये 300 का है, इससे ज्यादा महंगा हम नहीं खरीद सकते अपने बच्चों के लिए। तो ये हमारे बेटे का व्हाइट शूज है, ये होगा कम से कम 300 रूपये का ये भी है। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारा कलेक्शन है, ये है हमारे पास बाटा का सैंडल, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से है, एक सैंडल हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से ये बाटा का सैंडल है और ये 3 साल पुराना हो चुका है। 3 साल से हमने कोई सैंडल और जूते चप्पल अपने लिए नहीं लिया है, और ये लगभग 700 रुपए का है। अगर हम 700 रुपए की अपने लिए सैंडल हर साल में एक बार खरीदेंगे तो कहाँ से हम और सारी जरूरतें पूरी करेंगे अपने बच्चों की, इसलिए हम ज्यादा सैंडल और जूते नहीं खरीदते। अगर खरीदना ही है तो खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होगी, जितना इसमें हम पैसा लगाएंगे उससे हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सी न्यू ड्रेस खरीद देंगे। तो एक ही चप्पल है ये हमारे पास, देख सकते हैं, इसके अलावा कोई चप्पल नहीं है। एक चप्पल ये है, जब हम कभी मायके जाते हैं तो इसको घर पे डेली पहनते हैं, ये काफी पुराना है, लेकिन इसको हमने सोने के जैसे सिरज के रखा है, जिस तरह से सब लोग सोने की अपने गहना ज्वेलरी रखते हैं उसी तरह से हम अपनी चप्पल को भी रखते हैं, क्योंकि जब हम मायके जाते हैं तो इसको पहनते हैं डेली घर पे। तो इसको साफ करके आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एक जो है घिस भी चुका है, लेकिन हमने इसको रखा है। वैसे इस सबको दिखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, ना ही कभी आप लोगों को दिखाया है, लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं जिनके पास इतनी सारी चप्पलें जूते हैं, वो कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। तो चलिए और भी दिखाते हैं आप लोगों को खोल के क्या है, और इनकी प्राइस भी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा हमारी बेटी के पास एक जूती है जो कि ठंड में पहनती है घर पे, और इसकी प्राइस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 259 की है, यानी 260 रुपए की ये जूती है, आप देख सकते हैं। और इससे ज्यादा की महंगी हम जूती अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद सकते हैं। इसमें क्या है इसको भी आपको हम खोल के दिखा देते हैं। ये है हमारी बेटी का सैंडल जो कि गर्मी के महीने में पहनती है, ठंडी में जूती पहनती है और गर्मी में सैंडल कहीं आने जाने पे पहनती। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 239 रुपए है, यानी इसका भी प्राइस है 240 रुपए है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं,
ये देखिए यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो यानी कुल मिला जुला के हमारे बच्चों के पास जो भी जूता चप्पल है वो 300 से ज्यादा की नहीं है, 300 के अंदर ही अंदर है। और इसमें क्या है इसको भी आप लोगों को खोल के दिखाते हैं। तो ये है हमारे बेटे का सूज जो कि ठंड में पहनता है, ये 400 का सूज है, देख सकते हैं आप। ये बहुत हल्का है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ता है, इससे ज्यादा हम महंगा खरीद भी नहीं सकते अपने बच्चों के लिए। एंड अब आपको हम अपना मेकअप कलेक्शन दिखाते हैं। सबके पास लक्मी का और वाओ का पता नहीं क्या क्या रहता है, बहुत महंगा महंगा ब्रांड के सामान रहते हैं, फिर भी वो कहेंगे कि हम गरीब हैं। चलिए अपना हम आज दिखाते हैं किससे हम मेकअप करते हैं, क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक बैग है, बैग का चैन टूटा हुआ है आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना 8 से 10 साल का है। अगर हम चाहते तो नया ले सकते थे, नया लेने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं जब तक काम चल रहा है तब तक चलता रहेगा, बाद में कभी लिया जाएगा। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कितना सामान है, मतलब एक ये है आईब्रो को जो फिल करते हैं क्या करते हैं उस वो है, और ये एक लाइनर है। उसके अलावा एक ये लिपस्टिक है, मतलब 2 लिपस्टिक है पूरा मेकअप, मतलब बहुत दिनों का ये है, आई होप ये 1-1.5 साल का है। 2-3 साल में लिपस्टिक खराब भी हो जाती है इसलिए ज्यादा नहीं रखते हैं। तो ये है हमारे पास बिंदी, जब सूट पहनती है तो छोटी बिंदी लगाते हैं और जब साड़ी पहनते हैं तो ये वाली बिंदी लगाते हैं, ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं बिंदी का कलेक्शन। आप देख सकते हैं रबड़ ज्यादा है हमारे पास क्योंकि हमारी बेटी भी लगाती है, हम भी लगाते हैं। उसके अलावा ये छोटी मतलब कुछ बिंदियां हैं जो सादी सिंपल सी हैं। उसके अलावा ये वाली बिंदी रखती हूँ जो डेली पे लगाते हैं, एल्बम वाली है। इसके बाद ये सिंदूर है, ये है एक नेल पॉलिश है, 2 क्लेचर है, 1 काजल है, यही सब है। और ये रही 2 पत्ते बिंदी, और इसके अलावा यही सब है। आप इसमें देख सकते हैं ना ही लक्ष्मी का आई शेडो है, ना ही लक्ष्मी का काजल है, ना ही लक्ष्मी की लिपस्टिक है, ना ही हमारे पास फाउंडेशन है, ना ही हमारे पास मस्करा है, ना ही हमारे पास बीबी क्रीम सीसी क्रीम, ये सब कुछ नहीं है। कहने का कुल मिला जुला की ये मतलब था, अगर हम इन सभी चीजों को खरीदते हैं तो उनके लिए ढेर सारा हमें पैसा होना चाहिए हमारे पास, जो कि हमारे पास नहीं है इतना सारा पैसा। अगर इतना सारा पैसा हम मेकअप में और अपने जूते चप्पल में लगाएंगे तो खाएंगे क्या, और बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, और घर का किराया देंगे क्या। तो इन सभी चीजों में जो भी पैसा रहता है सारा चला जाता है, तो मेकअप में हम कहाँ से खर्च करें। लेकिन जैसा भी है जो भी है उसमें खुश हैं।